जो साइक्लोन विपर्जय अभी एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है और यहाँ इसका केंद्र है। अभी ये जोखाऊ से लगभग 170 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है और इसका जैसे हम पूर्वानुमान कर रहे थे कि स्लाइट वीक होगा 15 तारीख को, ये स्लाइटली वीक हुआ है। अभी इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। जब ये तट के पास पहुँचेगा शाम को, रात को तट को हीट करेगा, तब इसका विंड स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जी, दूसरी देश के दूसरे हिस्सों को लेकर भी स्थिति बता दीजिए, जिसमें राजस्थान है, दिल्ली है, मुंबई है, इन पर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? जैसे मुंबई के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं, क्योंकि मुंबई से बहुत दूर में है साइक्लोन। इसका जो पाथ आप देख रहे हैं, ये पाथ के हिसाब से गुजरात और राजस्थान को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जैसे हम बता रहे हैं, और राजस्थान में 16 तारीख और 17 तारीख को हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। और राजस्थान में 16 तारीख सुबह विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वेस्ट में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, 16th इवनिंग को विंड स्पीड वहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जी, जो पाकिस्तान से भी तमाम चीज़ें शेयर की जा रही हैं उसके बारे में? जी, ये साइक्लोन पाकिस्तान के आसपास जा रहे हैं और हम एक रीजनल स्पेशलाइज मेट्रोलॉजिकल सेंटर होते हुए पाकिस्तान को रेगुलरली इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं, स्टॉर्म सर्च के बारे में, रेनफॉल के बारे में, ट्रैक के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में सभी जानकारी उनको जारी हुए हर 3 घंटे में। और फाइनल जो 17 तारीख तक की स्थिति आपने बताई थी, कोई बार बता? 17 तारीख को तो सिस्टम वीक हो जाएगा, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और सिर्फ हैवी रेनफॉल कहाँ हो सकता है, ईस्टर्न राजस्थान और एडजनिंग वेस्ट एमपी एरिया में।